नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटस्टॉक स्पेक्ट्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। आज का दिन रिलायंस के नाम रहा। रिलायंस में आई तेजी के चलते भारतीय बाजारों की एक स्ट्रांग ओपनिंग देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 8950 के स्तर को भी पार कर लिया, लेकिन दोपहर 12:30 बजे के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। सबसे ज्यादा बिक वाली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 103 अंक, निफ्टी 22 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटी, सीमेंट, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छी इनफैक्ट बिकवाली देखने को मिली। वहीं चुनिंदा बैंक्स, रियल्टी और इंफ्रा पावर और एनर्जी शेयरों की बात करें तो यहां पर खरीदारी का रुख रहा। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईएस की तरफ से आज ऑलमोस्ट 260 करोड़ की कैश में बिकवाली दर्ज हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश में खरीदारी देखने को मिली। 917 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है, लेकिन मौजूदा बाजार में कहां पर आपको बेट करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, आइए सुन लेते हैं। पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी एक तेज़ी हम देख रहे हैं और उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि NHPC एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंटली ये ट्रेड कर रहा है कुछ 30.50 के आसपास। मुझे लगता है कि हम एक 29.5 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं और जो टारगेट्स रखेंगे वो रखेंगे तकरीबन 32.50 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, 215-214 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप इसमें देखते हो तो काफ़ी अच्छा एक बुलिशनेस है। इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो काफ़ी बुलिशनेस दिखा रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है। तो एक 208 के स्टॉप लॉस के साथ हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग करके चल सकते हैं और जो टारगेट्स रखेंगे वो तकरीबन 240-245 के हो सकते हैं। तो आपने एक्सपर्ट की राय भी सुनी, कहां पर आप निवेश कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स यहां पर उन्हें अच्छे लग रहे हैं। आज के एक्सपर्ट AK प्रभाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग मिस्टर प्रभाकर। आज देखें तो रिलायंस में जो रैली आई उसके चलते मार्केट को एक बूस्ट मिला, एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। एक्सपायरी है कल, कौन से लेवल्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के लिए? See, we are in a very crucial stage where, you know, 2015 high of 9119 and 2016 high of 8968, you know, we are about to cross it. It is a major triangle if you are looking index in a monthly chart, and if this triangle breaks in, it is going to be good. And when we come to expiry, it is a very short term time period, but you know, this is going to be one of the highest expiry ever. Now, if it happens at these levels, so now there can be some short covering if market can cross, now hold 8900 also, and stock specific rally is one thing I'm expecting. And Reliance, after a 8-year consolidation, has given a major breakout, and this stock is not going to stop here. Now, many targets will be crossed, and I think in matter of time, maybe 1 or 2 years, this stock should be 1800 rupees. So re-rating has started to happen in the stock, and now with many things happening on a positive side for Reliance, I think Reliance will be 1300 in a short term, and in a longer term I think 1800 is possible in this stock. इनफैक्ट आज भी 1200 का स्तर देखने को मिला और यह स्तर ऑलमोस्ट 8 साल के बाद देखने को मिला है। 1 अप्रैल से रिलायंस जियो का कमर्शियल लॉन्च होने जा रहा है जिसके चलते शेयर में इतनी बड़ी तेजी आज दर्ज हुई है। इंट्राडे में बात करें तो NSE पर 19 मई 2009 के बाद RIL के शेयर ने 1200 के स्तर को क्रॉस किया है। वहीं BSE पर 1 नवंबर 2010 के बाद कंपनी का शेयर 1187 रुपीस प्रति शेयर के स्तर के पार निकला है। मार्केट कैप के लिहाज से भी देखें तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आज के कारोबार में कंपनी की मार्केट कैप में एक स्ट्रांग इजाफा देखने को मिला है। करीब 39,426 करोड़ रुपए का इजाफा आज के सेशन में हुआ है। मुकेश अंबानी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 17,800 करोड़ रुपए बढ़ गई है। वायदा कारोबार में भी कंपनी के शेयर में 46% का रोलओवर आज के सेशन में देखने को मिला है। मासिस में शेयर में नए सौदे बने हैं। इनफैक्ट आपने कहा कि लॉन्ग रन में अब इसमें तेजी ही देखने को मिलेगी। कल एक्सपायरी भी है, आज 11% की रैली दिखी रिलायंस के अंदर। मार्केट में भी स्ट्रेंथ इसके चलते आई क्योंकि काफी वेटेज भी है रिलायंस की। 1207 का आज क्लोजिंग लेवल था। कल किसी तरह का दबाव कल के सेशन में यानी शॉर्ट टर्म में कल देखने को मिल सकता है कि मिस्टर प्रभाकर? You are talking about Reliance in short term?
जी, आज आपने कहा जैसे 1200 का लेवल क्रॉस हुआ, 1207 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। रिलायंस जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। कल कुछ प्रेशर दिख सकता है क्या स्टॉक में आपको लगता है? कल क्योंकि कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन होगा, शुक्रवार को बाजार बंद है, ऐसे में फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे आप रिलायंस में कल? See, it has given a breakout after a very long time, and 2009 high is 12,667, and that level also it get crossed. But after seeing almost 15% rally in this month, tomorrow being an expiry, I don't think Reliance is going to stop here. Another 3-4% recovery is possible towards the close, because short covering will push the stock up, and after that it will enter a consolidation phase. But another 15% rally is possible in the month of March or April. So any dip is a buy. Maybe a correction of 2-3% is possible post the expiry. But it will be only a chance to buy, because after a 15% rally, the stock is not going to stop. It will consolidate. Another 15% rally is on cards on March and April. चलिए, तो यहाँ पर अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। तरीका आपको बता दें क्विकली किस तरह से जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से सवाल पूछना है टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप पर वही तरीका है, स्टॉक का नाम आपको मेंशन करना है, भाव लिखना है और मैसेज कर देना है। साथ ही फेसबुक पर आपको जी बिजनेस के पेज पर जाना है, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर दी है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो आज हमें आया है वो है कपिल का, जो कि कानपुर से पूछा है पीएनबी हाउसिंग को लेकर। मिस्टर प्रभाकर, इनके पास 50 शेयर्स है 810 के लेवल्स पर, क्या सलाह है आपकी पीएनबी हाउसिंग? फिलहाल इनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, काफी पुरानी खरीद लगती है, इन लेवल्स पर अभी क्या किया जाए? See, PNB housing has rallied from 800 to almost 1140 levels in that shorter term version, because it is a newly listed stock. So I don't have a history, but if I go with the shorter term version, then it is a pole and pennant formation. So it is a continuation formation. So have a stop loss of 1048 is advisable. Hold with a stop loss of 1048, and target can be 1300 to 1350 also. All right, अगला सवाल है दीपक का अमृतसर से, सुमित इंडस्ट्रीज को लेकर इनका क्वेश्चन है। 600 शेयर्स हैं, 42.5 के स्तर पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए अभी स्टॉक के अंदर? सुमित इंडस्ट्रीज राइट जी, सी ही हैज टू ऑप्शन, ही हैज बॉट इट एट अ वेरी हाई प्राइस, सो ही कैन एवरेज अराउंड 30 रुपीज इफ इट कम्स No, or you can have a stop loss at 26. The stock is good, but it is in a corrective process. So you have to have patience in this stock. And whenever you buy a stock below 50 rupees, it takes lot of patience to hold on to the stock. So you have to have a strategy here where you have to have a stop loss, or you have to be ready to average at a lower price. ऑल राइट, तो एवरेजिंग भी की जा सकती है स्टॉक के अंदर, फिलहाल बने रहने की सलाह है सुमित इंडस्ट्रीज में। और आप जान लेते हैं ऐसे 20 स्टॉक्स जहां पर आप नजर रख सकते हैं इंट्राडे में, हालांकि कल एक्सपायरी भी है और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो बेहद अहम रहेगा कल का दिन। आइडिया सेलुलर होगा पहला स्टॉक जहां पर नजर रख सकते हैं। मर्जर की खबरों के बीच एक तेजी यहां पर बन सकती है, आज भी 4% की तेजी देखने को मिली है। विलय के बाद आइडिया वोडाफोन की कंपनी में कर्ज घटाने की योजना, और विलय के बाद करीब 20% हिस्सा बेचकर ये कर्ज घटा सकती है कंपनी। खरीदारी के लिए लक्ष्य 111 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इंट्राडे के लिए। एमटेक ऑटो एंड सर्विस स्पेस की कंपनी है, कंपनी के बोर्ड की अहम बैठक है कल, और शेयर जारी करके रकम जुटाने को लेकर बोर्ड विचार कर रहा है,
जिस पर एक अहम फैसला आ सकता है। 37.1 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 35.6 का स्टॉप लॉस एम्पिक ऑटो में रख सकते हैं। अगली बाय कॉल है टाटा मोटर्स, कंपनी फोर्ड के साथ करार कर सकती है और करार के तहत फोर्ड का पीवी कारोबार, पैसेंजर व्हीकल कारोबार खरीद कर सकती है और इसके लिए पार्टनर तलाश कर सकती है। ट्रिगर है यहाँ पर कि आप खरीदारी करें, 472 के लक्ष्य के लिए 455 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही एक और स्टॉक जहाँ आपको नजर रखनी है वो है CMIL लिमिटेड। न्यूज फ्लो भी है कि बोर्ड बैठक के फैसले के बाद शेयर में तेजी आज देखने को मिली। बोर्ड ने 300 रुपए प्रति शेयर पर प्रमोटर्स को 500,000 प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 8% की बढ़त यहां CMIL में देखने को मिली है। कल भी तेजी जारी रह सकते हैं, 198 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 192 का स्टॉप लॉस इस पे रख सकते हैं। अगली कॉल है TCS, बायबैक की खबरों के बावजूद शेयर 2 दिन में करीब 100 रुपए तक लुढ़का है। आज भी 2% की कमजोरी देखने को मिली। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर के वैल्यूएशन सब अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो इन लेवल्स पर आप फ्रेश बाइंग की जा सकती है, कर सकते हैं। 2440 के लक्ष्य के लिए 2390 का स्टॉप लॉस रखें। अगला शेयर है जय कुमार इंफ्रा। शेयर आज दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है BMC के चुनाव के नतीजों से पहले। शेयर में आज जोश देखने को मिला है। जय कुमार इंफ्रा ऑलमोस्ट 5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। कल के लिए यहां पर बाइंग के लिए लक्ष्य है 237-226 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगला शेयर है वाटेक बबाक का। सुप्रीम कोर्ट के इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश आए हैं, जिसके बाद शेयर में आज बढ़त देखने को मिली है। अपने एवरेज के मुकाबले 7 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी होती हुई दिखी है। 560 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, 543 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है PC ज्वेलर्स का। आज दबाव भी देखने को मिला, 2 दिन की तेजी के बाद शेयर में मुनाफा वसूली आज दिखी है। हाल की तेजी के बावजूद शेयर तकनीकी चार्ट पर बेहद कमजोर लग रहा है। एक्सेल कॉल है, बिकवाली के लिए लक्ष्य होगा 369 का, 380 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आपको नजर रखे चलनी है HDFC पर। शेयर दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ है और अपने एवरेज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज इसमें बिकवाली देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर कल भी जारी रह सकता है। थर्सडे के लिए 1375 का लक्ष्य रखें, 1402 का स्टॉप लॉस रखें। अगला स्टॉक है JP एसोसिएट्स, एक और सेल कॉल। लगभग 44 लाख शेयरों के बड़े सौदों के बाद शेयर पर दबाव दिखा, 14 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदे हुए, जिसके बाद इसमें प्रेशर देखने को मिला। सेल करने के लिए लक्ष्य है 13.55 का और स्टॉप लॉस 14.10 का आपको रखना है। मिस्टर प्रकार, अगर आपने इन सभी स्टॉक्स को सुना हो, इनमें से कोई शेयर आपको पसंद हो, कोई सेल या बाय कॉल? Yeah, no, I like 3 stock in this. Idea, no, telecom stocks have seen a re-rating. So Idea is looking very good, and I think that due to short covering, there can be some rally tomorrow in Idea. So tomorrow your targets can be crossed also. The other stock is TCS. TCS is looking very good. And other stock is VA Wabtec. Wabtec, after a good consolidation, has given a breakout, and it is in a continuation pattern. So I think this stock will outperform the market. अगला स्टॉक जो आपकी नजर में होना चाहिए कल के सेशन में, वो है एशियन पेंट्स का। सीरीज के सबसे ऊपरी स्तर पर शेयर पहुंचा है, सभी एवरेजेस के ऊपर आज की क्लोजिंग रही है। 1045 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 1008 का स्टॉप लॉस एशियन पेंट्स में आपको रखना है। HSIL अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ये शेयर निकला है, 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं। 316 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 300 का स्टॉप लॉस रखें। अगला शेयर है मिंडा इंडस्ट्रीज, एक और बाय कॉल, जहां पर आज अंतिम चरण में खरीदारी देखने को मिली है। खबर भी है कि जापान की कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया है। यहां पर लक्ष्य का 408 का, 390 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में रख सकते हैं। एक और शेयर जहां पर आप नजर रखें, पीडीलाइट। 2 दिनों की गिरावट के बाद तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर के लंबी अवधि के चार्ट बेहद पॉजिटिव लग रहे हैं। आज जरूर इसमें लाल निशान दिखा, लेकिन कल के लिए लक्ष्य का 710 का, 690 का स्टॉप लॉस रखें। अगला शेयर है जैकॉप। कल BMC चुनाव के नतीजे आएंगे और मुंबई से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर खास तौर पर फोकस होना चाहिए। जैकॉप में आप 79 रुपीज का लक्ष्य रखें, 73 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है HDL का। एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकती है। यहां पर लक्ष्य होगा 69 का, 64.5 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। इसके अलावा अगला शेयर है इरोस इंटरनेशनल। 50 हफ्ते के एवरेज के ऊपर ये शेयर निकला है। लगातार 4 सत्रों से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। यहां पर लक्ष्य का 225 का, 212 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही अगला शेयर जहां पर आप नजर रखें एक्सपायरी के दिन, वो है सीमेंस। कल इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। 1248 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं, 1208 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप लगा सकते हैं। लगातार 3rd महीने शेयर में पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हालांकि आज थोड़ा दबाव जरूर देखा, लेकिन कल के लिए यहां पर लक्ष्य होगा सीमेंस। तो आप ध्यान रखें, इस पर नजर बनाए रखें।
अगला शहर है अटलांटा, यहाँ पर नजर रखें, दो सत्रों से कम वॉल्यूम के बीच गिरावट दर्ज हुई है, निचले स्तरों से पुल बैक देखने को मिल सकता है, लक्ष्य होगा 90 रुपीज का, 85 का स्टॉप लॉस लगाएं। मारुति सुजुकी आखिरी शेयर जहां पर नजर रखें, शेयर सभी एम एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है और फरवरी सीरीज में 5% से ज्यादा ये शेयर चढ़ा है, कल के लिए लक्ष्य होगा 6130 का, 6065 का स्टॉप लॉस लगाएं। मिस्टर प्रभाकर, इनमें से कोई शेयर जो आपको पसंद आया हो? You talked about Asian Paints. No, all paint stocks are looking good. I think there should be some paint rally tomorrow. So Asian Paint is one of the picks. You know, we were about to suggest tomorrow. I think you have caught it early. Minda Industry is near all-time high of 403.90, and if that crosses, the rally can be very sharp. The other stock is Pidilite Industry, which is looking very good. A short covering rally is on cards. And the other stock is Eros Media, which after a very long consolidation has started to move up. I think this stock in the next 1 to 2 months will see at least 12% to 15% rally in AMI. All right, तो ये वो 20 स्टॉक्स हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन कुछ दर्शक भी हैं जो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जितेंद्र जैन जुड़े हैं जोधपुर से। जितेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, जितेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। मैडम मैं ओएनजीसी लिए मैं 205 के में 900 शेयर। 205 रुपए में कब से खरीद रखा है आपने, कितना समय हो गया होल्ड करते हुए? टाइम तो हो गया कम से कम 1 महीने के आसपास हो गया। ठीक है, कितने महीने दे सकते हैं इसे? मैडम लेना लिया तो था यानी कि इंटरनेट के हिसाब से, पर वो होल्ड हो गया। ठीक है, ऑलराइट। मिस्टर प्रभाकर, इन्होंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ओएनजीसी खरीदा था 205 के लेवल्स पर, अभी 10 रुपए प्रति शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। इस बीच जो खबरें हैं एक इंटीग्रेटेड तेल कंपनी बनाने की, उसके चलते अभी ओएनजीसी में स्ट्रैटेजी क्या रखें? कोई स्टॉप लॉस अगर इन लगाना हो तो क्या करना चाहिए, कहाँ पर लगाएं स्टॉप लॉस? It is very difficult to give an intraday call, no, and with the expiry around the corner, it will be very difficult. For a personal person, yes, 185 is my stop loss. Till 185 doesn't cut, I think it is in a consolidation phase, and after which I see a rally in ONGC, you know, at least 225 to 240 is possible. But with derivative settlement tomorrow, giving a view for an intraday is very difficult on ONGC. तो इंट्राडे के लिए शायद ये उतनी बेहतर बेट ना हो, आप इसे थोड़ा पोजिशनल कॉल के तौर पे रख सकते हैं। 185 के लेवल्स पर आप स्टॉप लॉस लगाएं और फिलहाल आप इसमें बने रहे, होल्ड करने की सलाह है। खबरों के चलते भी इसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। खबर भी आपको बता दें कि तेल कंपनियों के मेगा मर्जर के तहत सरकार की HPCL और BPCL में हिस्सा खरीद की योजना है। HPCL BPCL में सरकारी हिस्सा ONGC में ट्रांसफर कर सकती है। फिलहाल HPCL और BPCL में सरकार की एक बड़ी हिस्सेदारी है। एक्सप्लोरेशन के रिटेल कारोबार में ओएनजीसी का विस्तार होगा। इंटीग्रेशन से लागत में कमी और नतीजों में सुधार की उम्मीद है। बजट में वित्त मंत्री ने एक बड़ी तेल गैस कंपनी बनाने की बात कही थी। IOCE और ऑल इंडिया में हिस्सा बिक्री या मर्जर के फिलहाल कोई योजना नहीं, आज कुछ बयान सरकार की तरफ से आए हैं। चलिए, साथ ही विनिवेश के मोर्चे पर सरकार आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है और BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका OFS भी ऑलमोस्ट 2.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो आज सरकार ने 5% अपना हिस्सा इसमें बेचा है। कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। इशू का जो फ्लोर प्राइस है वो 1498 प्रति शेयर तय किया गया है। सरकार के OFS के जरिए करीब करीब 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। BEL अभी फंडामेंटली कॉल देना मुश्किल होगा, लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको कैसा लगता है BEL और OFS कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने जा रहा है? व्हाट इज योर आउटलुक ऑन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर प्रभाकर? सी BEL इज अ लॉन्ग टर्म गुड स्टॉक। इफ यू सी ऑन अ मंथली चार्ट ना, आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन इट हैज स्टार्टेड टू गिव अ ब्रेकआउट, and today it has given some downside where the entry is possible. And if you take on a fundamental side, now already their net profit margin has come to almost
18.6%. Previously, it was languishing around 14%. So, and with expansion in Andhra, about 700 acres, they have a plant in Andhra. So, this, once it comes, the order visibility also is there. And their export has almost been 90% up from 2015. So, it is a very good fundamental as well as a technical pick. If somebody wants their investment to double in next 2-3 years, BEL is one stock which can do that. चलिए फोन लाइन पर मनु है इस वक्त अपना सवाल पूछने के लिए. मनु गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है. गुड इवनिंग मैम. मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं. एक है NFL केमिकल्स के ऊपर जिसको मैंने खरीदा है 33 रुपीज के भाव पर, 2000 शेयर हैं 33 पे. यस मैम. और मैम मेरा HCC पे भी है जिसको मैंने 34 रुपीज के हिसाब से खरीदा है, 4000 शेयर. दोनों में मैं 6 मंथ तक रुक सकता हूँ. ऑलराइट, दो कॉल्स जिस पर जानना चाह रहे हैं. NFL काफी आपने बताया 33 के आसपास आपने खरीदा है, तो ये तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको हो गया. कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप NFL? मैम 6 मंथ्स ऑलमोस्ट. ठीक है. इनफैक्ट मिस्टर प्रभाकर, फर्टिलाइजर शेयरों में एक अच्छा मूव देखने को मिला बजट से पहले ही, और उसके बाद भी अगर देखें तो 33 पर इनकी खरीद है, 73 पर ये स्टॉक आ चुका. अभी इन प्रॉफिट्स के साथ क्या करना चाहिए, और साथ ही HCC 34 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है. दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय. Now first I have to appreciate Mr. Manu. No, he has got in the right time and he has held on to the stock. The stock in the last 2 months has rallied almost 105%, which is fantastic. And now, no, there is one important thing. It is about, no, if you are a trader, then you should know how to trail your stop loss, no, so that you don't get lose your profit. And the other part is to take some profit. Your capital has almost doubled, so you can take the capital out. So book 50% profit here and have the balance with a trailing stop loss of 62.90 rupees. If that 62.90 is hit, then you have to exit so that you lock in your profit and you don't get into loss. So this is the strategy I would suggest you, and if this is followed, then now I think you are going to be a great trader. This is what Jesse Livermore, who was in 1930s, has told lot of traders, and whoever followed him have made lot of money. जी, तो NFL एक strong मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें तेजी दिख सकती है. ना 16 शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली. इनफैक्ट मिस्टर प्रभाकर, अभी आज भी कुछ कैबिनेट की तरफ से अनाउंसमेंट्स आई हैं, कुछ सोलर पार्क्स की बात हुई है. 50 सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे 500 मेगावाट क्षमता के, और साथ ही एयरपोर्ट्स में भी सोलर रूफटॉप की बात कही गई है. इसके चलते हमने देखा मोजाबेर, उजास एनर्जी जैसे जो इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स, एक स्ट्रांग मोमेंटम इसमें देखने को मिला है. आपकी सलाह क्या होगी, क्या इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? Again, I didn't get this stock. Mr. Brocker, आज मोजर बेयर, उजास एनर्जी जैसे स्टॉक्स जो सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला. इनफैक्ट मोजर बेयर ऑलमोस्ट 9% ऊपर क्लोज हुआ है. क्या आपकी सलाह होगी अभी इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग की? See, I have been tracking Moza Beer for a very long time. No, from 300 it has corrected, and you know, it is once company which is gone almost out of business. So I don't think, you know, one day movement is going to be interesting. For me, when I pick a company, it has to be a profitable company at least for 3 to 5 years. If that criteria doesn't fit, then I don't invest my money, because it is hard-earned money, and investing in no, a speculative stock or in a lottery is not the way we have to go in stock market. So it doesn't fit into my kind of thing, and I will never advise a company which has been very inconsistent to be invested. There are so many companies which will do better. So Moza Beer, or even for that matter your Ujas Energy, even Suzlon will not fit into my this thing. So let it first show consistent profit, then we can trade or invest in those stocks.
तो आज खबर के चलते एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, और साथ ही एक और खबर आपको बता दें कि SGVN के नेपाल में जो निवेश है उसको सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। SGVN को 3 हाइड्रो प्लांट्स बनाने की मंजूरी मिली है। ये कुछ कैबिनेट की ब्रीफिंग है, उसके बाद ये कुछ बयान आए। फिलहाल इतने शेयर्स पर चर्चा कर पाएंगे, शुक्रिया मिस्टर वाकर, समय दिया आपने। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल, बताएंगे दिन भर का हाल, नजर रहेगी एक्सपायरी पर और साथ ही टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।